अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हमने बनाए चने की दाल के पकौड़े, जो कि काफ़ी मज़े के बनते हैं और बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। और इसके लिए हमने इसको क्या किया कि हमने इसको 4 से 5 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। और भिगोने के बाद हमारे पास जो है वो अभी इस फॉर्म में आ चुका है। इसके साथ जो हमें चीज़ें चाहिए वो हमें चाहिए प्याज, जो कि हमने इस तरह स्लाइस्ड कर लिया है। उसके बाद हरा धनिया चाहिए, हरी मिर्च चाहिए। मसालों में हमारे पास ये पिसी मिर्च है, नमक, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, उसके बाद हमने लहसुन का पेस्ट लिया है, उसके बाद हमारे पास ये रंग है और नमक। और इसके साथ जो है वो हमने सबसे पहले क्या करना है कि हमने इसको ब्लेंड कर लेना। ब्लेंड करने के लिए हमने ये करा है कि हमने इसमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करा है, हमने इसको चॉपर में चॉप करा है ताकि जो है बिल्कुल ही फाइन पेस्ट ना बने, थोड़ा सा दरदरा रहे ताकि वो थोड़ा सा क्रिस्पी पकौड़े बने हमारे। उसके बाद हमने वहाँ पर जब इसको चॉप कर लिया, तो चॉप करने के बाद इसकी कंडीशन इस तरह से है, आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट नहीं बना हुआ। हमने इसको फ़ाइन नहीं करना, बहुत ज़्यादा पानी ऐड करना नहीं है और ना ही हमने इसको ब्लेंडर में करना है। उसके बाद ये जब हमने निकाल दिया, निकालने के बाद अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो उसके बाद हमने सबसे पहले ऐड करा इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें, उसके बाद हम इसमें अनियन ऐड करेंगे जो हमने यहाँ पर स्लाइस्ड कर रखा था। फिर उसके बाद हमारे पास ये जो मसाले थे जो मैंने आपको पहले दिखाया था, वो सारे मसाले ऐड करेंगे। और ऐड करने के बाद हमने इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है, काफ़ी टाइम, 5 से 7 मिनट कम से कम मिक्स करना है, ताकि ये तमाम चीज़ें आपस में प्रॉपर मिक्स हो जाएं, ताकि हमारे पकौड़े अच्छे और क्रिस्पी बने। अच्छा जी, यहाँ पर हाथ से मिक्स करना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि स्पून से या किसी और चीज़ों से प्रॉपर मिक्स नहीं होगा। तो आप अपने हाथ यूज़ करें, ताकि इससे काफ़ी इसको हमने हाथ से प्रॉपर मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद जो है वो हमें इसको जो है वो तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे फ्राई करने से पहले। अब यहाँ पर भी जो है वो हमने ऑयल गरम कर लिया, इसमें मैंने लोहे की कढ़ाई यूज़ करी है, इसमें ज़्यादा अच्छी चीज़ें बनती हैं और जल्दी चिपकता नहीं है। तो इसके लिए फिर जब ऑयल गर्म हो चुका है, तो गर्म होने के बाद हमने जो है वो इसमें बैटर डालना स्टार्ट करा है। तो हम छोटे छोटे से बॉल्स बना करके डालेंगे और बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखना, उससे ये कि फिर पकौड़े आपके जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। फिर हमने इसको बारी बारी जो है वो हमने डालना स्टार्ट करा है, और करने के बाद हमने इसको हल्के आंच पे ही फ्राई करना है। ये देख सकते हैं कि ये फ्राई करने के बाद जब हम निकालने लगेंगे तो हम इसकी आंच तेज़ कर देंगे, और तेज़ करने के बाद हम इसको जो है निकालने के बाद थोड़ी देर रखेंगे ताकि इसका एक्सेस ऑयल जो है वो निकल जाए, और ये जो है वो फिर हम काफ़ी अच्छा क्रिस्पी बनते हैं। तो फिर उसके बाद जो है वो आप इसको डिश आउट कर लेंगे, और उसके बाद इसका फाइनल लुक ये बहुत अच्छे, बहुत मज़े के और क्रिस्पी बनते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।